गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉपिक दिखने में छोटा है, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हम लोग ये बात करेंगे आज जिस टॉपिक के बारे में, द फ्रॉड, किस टाइप के फ्रॉड होते हैं अब्रॉड एजुकेशन के बारे में, पर किस चीज़ से आपको संभलना चाहिए। मैं अगर बात करूंगा फ्रॉड होने के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे फ्रॉड करते हैं लोग। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे जो ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, जब हम लोग MBBS की पटरी लिए आज बात कर रहे हैं तो उसके बारे में ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी की बात की जाती है। कई लोग बोलते हैं कि ड्यूरेशन 6 साल का है, कोई लोग बोलते हैं 5 साल का है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नज़रिया रहता है सबका। ड्यूरेशन जो स्टडी का है बेसिकली, कुछ कंट्रीज है जहाँ पे 5 साल का है, बाकी सब में 6 साल का है। ऑलमोस्ट 5 साल का कहाँ कहाँ पे, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, ये सब कंट्री में 5 साल का, और एक है कजाकिस्तान में। बाकी कोई भी कंट्री के अंदर 5 साल का करिकुलम नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वेबसाइट पे सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस आपको हमेशा वहाँ पे दिखेगा 5 साल का, नहीं 6 साल का, या तो 12 सेमेस्टर का। सेकंड चीज आती है, कई कंसल्टेंट लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग एज ए करियर गाइडेंस है, बाकी सब तो एजेंट लोग है, मीन्स खुद को बड़ा दिखाने को ट्राई करते हैं। गूगल में आप देखेंगे नंबर वन पे प्लेस दिखाएंगे उनका, आप YouTube पे देखेंगे, YouTube पे उनका वीडियो सबसे नंबर वन पे आएगा, तो आपको ऐसा लगता है कि वो लोग ही नंबर वन लोग हैं मार्केट में। गलत सोच है आपकी। अगर कोई टेक्निकली जानकार बंदा है आपके फैमिली में, आप उससे पूछिए कि भाई YouTube पे पहले नंबर कैसे अचीव होता है, Google पे कैसे होता है। नो डाउट अभी आज की डेट में वो लोग पेड कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, फ्री में दिख रहे हैं ऊपर नंबर वन पे, लेकिन उससे पहले पेड करके ही लोग ऊपर आते हैं। सपोज सोफ्तामो को भी ऊपर आना होगा तो सोफ्तामो भी विद इन 2 or 3 months ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। बट नंबर वन पे दिख रहे हैं उसका मतलब वो नहीं है कि वो लोग नंबर वन है। दे आर ओनली यूट्यूबर, दे आर एक्ट एज ए एजेंट, रियल एजेंट इन द मार्केट। क्या बोलेंगे उसको, दलाल बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उनका कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कंट्री में, कहीं पे भी खुद का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं। आपको दिखाया जाता है बड़ा बड़ा चीज कि हम ये है, हम वो है, टोटली चीज गलत है। कहीं पे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो नंबर वन पे दिख रहे हैं मोस्ट ऑफली सबका कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। कुछ हो गए, मैं सबको मना नहीं कर रहा, और बच्चों को इतना गुमराह किया जाता है, पेरेंट्स को इतना मिसगाइड किया जाता है कि पेरेंट्स के पूरी जिंदगी की पूंजी वहां पे लग जाती है। बातें होती है USMLE कोचिंग की, अरे भाई बच्चा फर्स्ट ईयर में मेडिकल का स्टडी शुरू नहीं हुआ है, तब से क्यों USMLE का पैसा पे करेगा, जबकि वो मेडिकल का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है वहां पे, और यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है वो बड़ी चीज है कि तू यहां पे प्राइवेट ट्यूशन क्लास देके पढ़ा रहा है बड़ी चीज है। उसमें तो कई बच्चों ने साल बर्बाद कर दिया, चले गए नीट का कोचिंग लेने के लिए, चले गए आकाश में, एलएन में, जो भी कंपनीज है उसके अंदर, HSC बोर्ड का रिजल्ट डाउन हो गया उनका बच्चों का, जो कि रियल रिक्वायरमेंट थी सेकंड के 50% तो एटलीस्ट चाहिए बच्चे के नीट के अंदर है 400+, 12th के अंदर 12th में 50% भी नहीं हो रहे, वो बच्चा का क्या करेगा, अभी 1 साल का ड्रॉप लेगा, क्योंकि उसका MCI के नॉर्म्स के हिसाब से परसेंटेज सेट नहीं हो रहा है। वही चीज ये लोग MBBS में करने जा रहे हैं, आपको USMLE पैरेलली दे रहे हैं। USMLE की रियल रिक्वायरमेंट आती है आफ्टर द सेकंड ईयर, जब बच्चा कुछ मेडिकल का स्टडी कर चुका है उसके बाद काम का वो चीज है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए, कोई भी चीज पैरेलल लेने की जरूरत नहीं। हाँ, MCI लेना है लीजिए, MCI जरूरी चीज है, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद। कोई भी चीज फर्स्ट ईयर से अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, फालतू का पैसा
जो 4 लाख 5 लाख रुपए जो यूएस एमएलई का ठग रहे हैं वो गलत बात है। दूसरी बात आती है कंसल्टिंग चार्ज के बारे में। कंसल्टिंग चार्ज लोग ले लेते हैं आपसे कि भाई एक साथ दे दो, एक साथ कभी देने की जरूरत नहीं, स्टैप के मुताबिक आप कंसल्टिंग चार्ज पे कीजिए, कुछ आपको एविडेंस दिखेगा तो आप पे करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, एक साथ क्यों पे कर रहे हैं आप। वो सिर्फ आपको वहां पे ब्लॉक करने के लिए आपसे वो कंसल्टिंग हड़प रहे हैं पहले। सी आप लोग पढ़े हुए लोग हो, अनपढ़ नहीं हो, हमको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे जो फ्रॉड हो रहा है वो ध्यान में रखने की बात है। थर्ड चीज आती है एमसीआई, WHO, ECFMG, KMHP, ये सब अप्रूवल के बारे में। कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप तो पर्टिकुलर कहाँ कहाँ से उसका एफिलेशन है वो आप चेक कीजिए, विदाउट डेट कभी भी उसमें एडमिशन मत लीजिए। कंट्री वाइज जो फ्रॉड होता है उसका हम लोग अलग से अलग अलग कंट्री का अलग अलग वीडियो तैयार करके आपको देंगे। पहले तो जो जनरल फ्रॉड हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। फॉरेक्स के नाम से आपके पैसा हड़प लिया जाता है, अरे फॉरेक्स के लिए दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट रहना है, हर एक सिटी में फॉरेक्स करेंसी का एक्सचेंज होता है। कंपनियों के नाम चाहिए तो आप हमसे पूछिए एडमिशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, सेकंड पार्ट है। फॉरेक्स कंपनी कौन कौन सी अवेलेबल है आप पूछेंगे, हम लोग आपको बता देंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो फॉरेक्स के नाम पे किसी को भी यहाँ पे कैश मत दीजिए, डॉलर आप खुद से करवाइए। ट्रैवल कार्ड भी जितना खुद से करवाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि वहां पे भी वो कंसल्टेंट लोग का कमीशन जुड़ा होता है, 1 रुपया 50 पैसा वहां पे उनका जी नहीं भरता है, वहां पे भी वो पैसा कमाने को ट्राई करते हैं। और ये वही बड़े लोग हैं जो बड़े लोग आपको लूट रहे हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं छोड़ना है आपसे, लेकिन सर्विस के नाम पे 1 रुपये की सर्विस देनी भी नहीं है। बच्चे को प्रम कमिट किया जाता है कोई और यूनिवर्सिटी और भेजा जाता है कोई और यूनिवर्सिटी में, ऐसे बच्चों के नंबर चाहिए तो बता दें। हम कंसल्टिंग कंपनी का नाम कभी नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी वो बच्चों का नंबर हमसे मांगना, हम देंगे, कोई टेंशन नहीं है। पूछिए किसके थ्रू गए हैं, क्या किया था, क्या नहीं किया था, कितना सर्विस दिया गया है। यहां से बंदा जाता है बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, वहां पे शराब पी के पड़ा होता है, ये लोग हैं ये कंसल्टेंट। खुद की बीवी को और बच्चों को लेके जाएंगे, वहां पे घूम फिर रहे होगे, बच्चे कहीं पे सड़ रहे होगे, ये लोग हैं ये बड़े कंसल्टेंट। किसी को पड़ी नहीं होती आपके बच्चों की, क्योंकि उनका वहां पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उनको यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपना नाम खराब होने की पड़ी होगी और पेरेंट्स के आगे भी अपना नाम खराब होने की पड़ी होगी। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट मीन्स दोनों साइड पे वो तो अलग बंदा है, वो पेरेंट्स से सिर्फ जुड़ा हुआ डायरेक्ट, लेकिन वहां पर उसको पेरेंट्स की पड़ी नहीं है। यूनिवर्सिटी में उसको नाम खराब हो रहा है कि नहीं खराब हो रहा, उसकी उसको कोई नहीं पड़ी है, क्योंकि उसके आगे तो किसी और का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस टाइप के इनडायरेक्ट एजेंट और दल्ले लोग से बचिए। कंपनियों के नाम जानने हैं आपको, कौन कौन से दल्ले वाली कंपनियां हैं हमको कॉल कीजिए, हम बता देंगे, वीडियो पे हम लोग नहीं डाल सकते, इट्स अनएथिकल। और अगर वो लोग सुन रहे हैं उनको बुरा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए, बुरा कर रहे हैं तो लगेगा। सो फ्रॉड डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं। कभी भी किसी को पूरी सब फीस यहाँ पे इंडिया में हैंड ओवर मत कीजिए, फीस बच्चा वहां पे जाके खुद से भरेगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर यूनिवर्सिटी का अकाउंट अवेलेबल है तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट डलवाइए, नहीं है बच्चे को बोलिए खुद जाके पे करें, किसी को देने की जरूरत नहीं है। फूड का पैसा कभी भी यहां पे इंडिया में हैंड ओवर मत कीजिए किसी को, एवरी मंथ वहां पे बच्चा खुद से पे करेगा और खुद देता रहेगा। तो वो कोई जरूरत नहीं है फूड का पैसा इधर देने की। जब पैकेज की बात आती है, पैकेज आप देख रहे हो तो पैकेज हमेशा यहां पे किसका कम है तो उससे कंपेयर मत करो, कंपेयर करो वहां पे जाके कितना ले रहा है। अगर वहां पे अगर $7,000 है और यहां पे 1 लाख रुपया ले रहा है और दूसरा बंदा यहां पे 2 लाख रुपया ले रहा है लेकिन वहां पे $5,000 ले रहा है, तो वो दोनों का टोटल करके उसको क्लब करो। टोटल पैकेज, 6 साल के पैकेज पे मत जाओ, 6 साल का जो पैकेज होता है छलावा है आपके लिए, दिखावा है आपको कि भाई 15 लाख में हो जाएगा, 10 लाख में हो जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं होता ये चीज। जो भी काम करना है प्रॉपर पर्सन सिलेक्ट कीजिए, गूगल अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है,
खुद से सर्च कीजिए, खुद से सर्च करने के बाद डिसीजन लीजिए। दूसरा कोई आपको समझा रहा है कि यूएसए में कर लीजिए, जर्मन कर लीजिए, गलत बात है। हर एक कंट्री का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करना होता है। कोई आपको समझा रहा है कि यहाँ पे इतना सक्सेस है, यहाँ पे इतना इनसक्सेस है, खुद से चेक कीजिए कौन सी वेबसाइट अवेलेबल है, क्या जानना है, क्या करना है, हमको पूछिए, हम आपको बताएंगे। एडमिशन कहीं से भी ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एज ए सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हमारा एक ही मोटो है कि जब पेरेंट्स बच्चे का हाथ हमारे हाथ में दे रहा है, देन वी मस्ट हैव टू एक्ट एज ए सेकंड पेरेंट्स ऑफ द किड्स। क्योंकि वहां पे पेरेंट्स साथ में नहीं होता है, वहां पे हम लोग हैं या फिर हमारा कोई टीम मेंबर वहां पे, वो ध्यान रखेगा बच्चे का। जहां पे उसकी गलती होगी उसको टोका जाएगा, जहां पे सही है सराहा जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। फ्रॉड होने से बचिए, जो भी है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जो जो इंफॉर्मेशन है, एक एक करके अलग अलग कंट्री के बारे में हम लोग आपसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी मर्जी है। अगर शेयर कर रहे हैं तो दूसरे किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कुछ अच्छी बात की। और हम कभी भी कोई एक यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट नहीं करेंगे, हम जो भी बात करेंगे पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ना कि कोई यूनिवर्सिटी और ना कोई कंट्री। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन द नीट एंड ट्वेल्थ वी विल प्रीफर यू विच विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा नंबर है +91 7227 04948 एंड हमारा वेबसाइट है www.softamo.org। मेल करना है तो info@softamo.org पे मेल भी कर सकते हैं, और वेबसाइट पे जाके चैट करना है तो चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।